हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर फाइव अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से बन सकते हैं या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो so, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन है अ अकॉर्डिनेट हैविंग वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड देखो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो वीडियोज़ uh, मैंने जो ऑलरेडी क्लास सिक्स की बनाई हुई है वो ज़रूर देख लेना बेसिक्स क्लियर होंगे तभी क्वेश्चन समझ आएंगे नहीं तो आ, मुश्किल लग सकता है तो शुरू करते हैं आ, ये क्वेश्चन कह रहा है एक कॉर्डिलेटल है जिसका एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है तो कॉर्डिलेटल मींस जिसकी चार साइड होती है तो कोई भी एक ऐसी शेप बना दो जिसकी चार साइड है और उसकी एक पेयर ऑफ साइड लेट्स से ये एक शेप है इसकी एक पेयर ऑफ साइड जैसे कि ये ये वाली इसको हम एक्सटेंड करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये पैरेलल है ठीक है एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगे तो एक क्वार जिसका एक पेयर ऑफ साइड पैरल है उसको क्या कहते हैं तो आपको अगर प्रॉपर्टीज पता है क्वार की तो आपको ये आंसर अपने आप आ जाएगा कि ऐसा शेप जो है वो ट्रेपेजियम होता है जिसमें एक पेयर ऑफ साइड पैरल होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अ ट्राइंगर प्रिज्म हैज एक प्रिज्म प्रिज्म आपको पता होगा कुछ ऐसा होता है इसमें कितने फेसेस uh, होते हैं सो वन फेस इज दिस जो आपको ये ट्राइंगल पोर्शन दिख रहा है एक नीचे होगा राइट सो वन टू नीचे वाला थ्री उस साइड फोर इस साइड थ्री एंड फोर और ये एक पीछे होगा ट्राइंगर पोर्शन विच इज फाइव तो पांच फेसेस होते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये शेप्स की और थ्री डी शेप्स और टू डी शेप्स की तो so, वो uh, अगर आपको आती हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है नेक्स्ट देखो वेयर विल हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट टू एंड मेक्स वन बाय टू ऑफ अलॉक वाइज सबसे पहले तो क्लॉक की बात हो रही है तो क्लॉक बना लेते हैं ट्वेल्व सिक्स थ्री एंड नाइन वेयर विल दी हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप हैंड ऑफ द क्लॉक मीन्स घड़ी का जो ये हैंड होता है ये कहाँ पे रुकेगा इफ इट्स एट टू अगर वो दो बजे शुरू होता है तो दो मान लो यहाँ आता है तो लेट्स दो बजे इसने चलना शुरू किया एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन मीन्स पूरा ऐसे राउंड लिया इसने आधी रेवोल्यूशन लिया तो पूरा राउंड नहीं लिया यहां से सिर्फ यहां तक आया राइट ऐसे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मीन्स जिस डायरेक्शन में घड़ी के नंबर्स चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज इज दिस डायरेक्शन राइट तो वो पूछ रहा है कि वेयर विल दी हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप्स इफ इट स्टार्ट एट टू तो दो पे टू ओ क्लॉक नहीं बोल रहा है मैंने यहाँ टू ओ क्लॉक कर दिया था वो बोल रहा है एक मिनट हैंड है वो दो पे स्टार्ट हो रहा है और वो हाफ रेवोल्यूशन ले रहा है हाफ रेवोल्यूशन का मतलब है सर्कल का आधा चलेगा यहाँ तक क्लॉकवाइज तो वो कहाँ रुकेगा तो यहाँ टू होगा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ट्वेल्व होता तो सिक्स पे रुकता हाफ ये होता है टू है तो एट पर रुकेगा ठीक है तो एट इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है एन एंगल मेजर इज इक्वल टू हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन इज एक एंगल जिसका क्या मेजरमेंट है हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन मीन्स पूरा का पूरा एक सर्कल पूरा थ्री सिक्सटी डिग्री उसका आधा यानी कि ये जो हाफ पार्ट होता है ये वन एट्टी डिग्री का होता है तो वो एंगल का मेजरमेंट क्या हुआ 180 एटी डिग्रीज ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में आपको दिया है स्ट्रेट एंगल आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज 180 एटी डिग्रीज राइट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वारलेटल इज कॉल्ड एक क्वारलेटल जिसकी ऑपोजिट साइड पैरल है अगेन प्रॉपर्टीज uh, पता होंगी तो कर पाओगे आंसर ये इसके पैरल है और ये इसके पैरल है ऐसी ऐसे क्वार को हम लोग क्या कहते हैं पैरलोग्राम ठीक है अ हुज ऑल आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री बहुत इजी क्वेश्चन है सारी साइड इक्वल होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है ऐसे हम शेप को कहते हैं स्क्वायर राइट वेयर विल हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप फिर से वही क्वेश्चन ध्यान से देखना इफ इट स्टार्ट एट ट्वेल्व बारह पे स्टार्ट किया उसने ठीक है यहां से शुरू हुआ एंड मेक्स थ्री बाय फोर ऑफ अ रेवल्यूशन पूरी रेवोल्यूशन का थ्री फोर्थ घूमता है वो थ्री फोर्थ का मतलब क्या है देखो सबसे पहले रेवोल्यूशन में थ्री फोर्थ का मतलब समझो फुल एक जो है एक रेवोल्यूशन तो पूरी होगी यहीं से स्टार्ट किया और यहीं आ गया आधी रेवोल्यूशन यहाँ तक होगी ये आधी होगी अब ये थ्री फोर्थ बोल रहा है थ्री फोर्थ का मतलब चार पार्ट में से तीन पार्ट यानी अगर मैं इस पूरी क्लॉक के चार पार्ट कर दूं वन टू थ्री एंड फोर तो थ्री फोर्थ का मतलब है तीन पार्ट यानी कि इतना ठीक है बेसिकली टू सेवेंटी डिग्रीज़ बोल लो थ्री फोर्थ बोल लो पौना बोल लो पौना घंटा जिसको बोलते हैं फोर्टी फाइव मिनट्स बोल लो वॉटर तो ट्वेल्थ से स्टार्ट किया फोर्टी फाइव मिनट्स तक आप घूमे विच ऑज थ्री फोर्थ ऑफ द रेवोल्यूशन यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे क्या होता है नाइन होता है क्लॉक में तो कहाँ पहुँचोगी क्लॉक ही घूम रहे हैं देखो ये ध्यान रखना डायरेक्शन एंटी क्लॉक है या क्लॉक है तो ये क्लॉकवाइज है तो आपको इसी डायरेक्शन में मूव करना है और नाइन पे आप पहुंच जाओगे विच इज योर आंसर आगे क्वेश्चन देखते हैं वेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज डैश जब दो एंगल का सम एक राइट एंगल हो ये एक एंगल है ये एक एंगल है दोनों का सम जो है एक राइट एंगल हो यानी कि 90 डिग्री हो तो इन दोनों एंगल्स को क्या कहते हैं तो भाई आपको ये पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं तो यहां पे ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है देखो थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंट है व्हेन द सम ऑफ अ मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ राइट एंगल दोनों एंगल का सम जो है राइट एंगल होगा तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री तो होंगे बट यहाँ ऑप्शन देखो कुछ और पूछ रहा है वो कह रहा है कि ये दो एंगल कैसे होंगे तो जब सम 90 है ध्यान से समझना जब दो एंगल्स का सम 90 है तो एक भी एंगल 90 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता 90 से छोटे ही होंगे ये 40 होगा तो ये 50 होगा तभी 90 आएगा ये 80 होगा तो ये 10 डिग्री होगा ये uh, 20 होगा तो ये 70 होगा बेसिकली दोनों हर केस में कोई भी नंबर ले लो जिसका सम नाइन्टी आ रहा है हर केस में ये दोनों एंगल नाइन्टी से छोटे ही होंगे और 90 से छोटे एंगल्स को हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स ठीक है तो जब भी दो एंगल का सम 90 है तो दोनों क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री तो होंगे ही ऑब्वियसली सम 90 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं लेकिन वो दोनों ही एक्यूट होंगे 90 से छोटे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन टू राइट एंगल्स दो राइट एंगल है देखो मान लो एक ही राइट एंगल एक ही राइट एंगल एक एंड दो तो so 90 एंड 90 कितने डिग्री हो गया टोटल 180 डिग्री बस ये आंसर है बी पार्ट नेक्स्ट इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय टू ऑपोजिट रेज इज कॉल्ड एक एंगल जो दो ऑपोजिट रेज से बना है उसको क्या कहते हैं देखो ऑपोजिट रे सबसे पहले तो रे पता होनी चाहिए रे का मतलब है एक एंड पॉइंट से निकलती हुई एक लाइन ठीक है जो एक तो एंड पॉइंट है और एक एंड पॉइंट नहीं है वो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो ठीक है तो दो ऑपोजिट रेज का मतलब है एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है ऑपोजिट है एक दूसरे के ये कौन सा एंगल बनाती हैं दोनों तो ये देखो ये एकदम स्ट्रेट है तो 180 डिग्रीज का एंगल बनाएगी राइट तो स्ट्रेट एंगल इज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल दी हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट्स स्टार्ट्स एट थ्री एंड मेक्स थ्री बाय फोर ऑफ अ रेवोल्यूशन फिर से वही क्वेश्चन लेकिन थोड़े नंबर्स अलग हैं तो आपको ध्यान तो हर बार अलग से इसको देना पड़ेगा इफ़ इट इट्सटार्ट एट थ्री अगर वो तीन से शुरू हो रही है एंड थ्री फोर्थ ऑफ अ रेवोल्यूशन थ्री फोर्थ रेवोल्यूशन घूम रही है क्लॉक तो इसी डायरेक्शन में घूम रही है और थ्री फोर्थ मीन्स फोर्टी फाइव मिनट्स ये आपको पता होना चाहिए एंड ये पहुंचेगी कहाँ ट्वेल्व पे सो ट्वेल्व इज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक थ्री मीटर वेरी इजी क्वेश्चन तीन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो आपको पता होना चाहिए एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर्स होते हैं एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर्स होते हैं तो थ्री मीटर में थ्री इन हंड्रेड दैट इज थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर्स इस तरह लिख कर करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो नहीं तो आपको डायरेक्टली ये तो बहुत ईजी चीज़ है डायरेक्टली समझ आ जाएगा थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन एन आर्म ऑफ एन एंगल इज एक्सटेंडेड देन हाउ डज इट मेजर चेंज जब एक वेन एन आर्म ऑफ एन एंगल देखो जो जो बोला जा रहा है उसको बनाते हैं जब एक आर्म यानी कि हाथ एंगल का जैसे मान लो ये एंगल है ठीक है इसके आर्म्स इनको कहेंगे ये आर्म्स है इज एक्सटेंडेड उसको एक्सटेंड किया जा रहा है यानी आगे बढ़ाया जा रहा है ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं राइट देन हाउ डज इट्स इट मेजर चेंज इसका जो मेजरमेंट है यानी कि मान लो ये फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल है तो जब हम इसके आर्म्स को एक्सटेंड करते हैं क्वेश्चन कह रहा है जब इसको बढ़ाते हैं तो एंगल पे क्या चेंज आता है जितना भी इन आर्म्स को बढ़ा लो एंगल चेंज नहीं होता एंगल तब चेंज होगा जब आर्म अपनी मूवमेंट करेगी यानी कि आर्म अपनी जगह ही चेंज कर देगी ठीक है आर्म की लेंथ से एंगल का कोई लेना देना नहीं है राइट सो आर्म की लेंथ कितनी भी हो एंगल सेम रहेगा तो रिमेन्स द सेम इज़ योर ऑप्शन फॉर द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ट्राइंगल हैविंग the angle फोर्टी थर्टी वन हंड्रेड टेन इज ek जो आ, एक let's है मैं कोई भी triangle बना लेती हूँ इस तरह से ठीक इस है इसमें जो एंगल्स हैं जैसे कि ये 110 हंड्रेड टेन है मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ ये फोर्टी है और ये थर्टी डिग्री है ये एंगल्स दिए मैं इस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं तो देखो ट्राइंगल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल वाली वीडियो देखना टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पता होने चाहिए उनके नाम पता होने चाहिए सो so, जब भी कोई एंगल किसी ट्राइंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसको हम ऑप्टीज़ एंगल ट्राइंगल कहते हैं एक भी एंगल अगर 90 से बड़ा दिख गया तो ओपटीज़ एंगल ट्राइंगल देखो यहाँ पे ये यह 110 जो है ये 90 से बड़ा है तो ये जो ट्राइंगल का नाम होगा वो होगा ऑप्टूज एंगल ट्राइंगल राइट नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे ये क्वेश्चन है एन एंगल विच इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड एक एंगल जो कि बड़ा है राइट एंगल से देखो राइट एंगल बनाओ जो क्वेश्चन में लिखा होता है उसको ड्रॉ किया करो बनाया करो दिमाग ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है एन एंगल विच इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल राइट एंगल से बड़ा है ठीक right है बट लेस देन द स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट एंगल से स्ट्रेट एयरा राइट ईरा स्ट्रेट से छोटा है राइट से बड़ा है यानी इसके बीच में है कहीं पे, नाइन्टी टू वन एटी डिग्री के बीच में ऐसे एंगल को क्या कहते हो अभी इतनी बार पढ़ चुके हैं हम ऑप्टीवज़ एंगल कहते हैं ठीक है नाइन्टी से छोटा हो गया एक्यूट नाइन्टी और वन के बीच में हो गया ऑप्टीवज़ इससे बड़ा वन से बड़ा हो गया रिफ्लेक्स एग्जैक्टली थ्री सिक्सटी हो गया यानी कम्प्लीट एंगल हो गया तो थ्री सिक्सटी डिग्री को कम्प्लीट एंगल बोलते हैं इसके अलावा आ, और कोई एंगल तो नहीं है इतना आपको ध्यान रखना है आपको कई सारे ट्राइंगल के नाम और एंगल्स के नाम समझ में आ जाएंगे इन चार नामों से ही ठीक है आगे आ, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं सो देखते रहो और अपनी तैयारी करते रहो